नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है अ अ रिंग एंड एंड सॉलिड ऑफ़ मास रेडियस आर रिलीज़ फ्रॉम पॉइंट अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के कारण गेन होगी तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे अगर इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर ये दोनों बॉडी रोल कर रही है जिनका मास और रेडियस सेम है है ना ऐसा रोल कर रही है तो जो बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी कितना है एम जी एच और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो आंसर यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन इज टू वन क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा आंसर हम क्या रखेंगे वन इज टू वन पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर वो कहें कि रेशियो ऑफ देयर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या बोल सकते हैं वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो फिर यहाँ पर आपको पहले वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा फिर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा अगर उन्होंने कहा कि रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर अगर हम रिंग की बात करें मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फेयर ठीक है तो रिंग की अगर हम बात करेंगे तो वन बाई टू एम वी वेलासिटी ऑफ रिंग हमको रखना पड़ेगा इसका स्क्वेयर और अगर स्वेयर की बात करेंगे तो वन बाई टू एम वेलासिटी ऑफ स्वेयर हमको रखना पड़ेगा और इसका स्क्वेयर तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे है ना अब अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है रूट टू एम यहाँ पर आएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर ओके तो यहाँ पर अगर हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया i जो होगा वो एम आर स्क्वायर होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो होगा वो रखेंगे तो यहाँ पर टू आ जाएगा डिनोमिनेटर में टू और एम कैंसिल हो जाएगा वेलोसिटी कितना आएगा रूट जी एच है ना यहाँ पर एम आर स्क्र पुट करेंगे R2, R2 2 आ जाएगा में। और अगर हम स्फीयर की बात करते हैं अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर होगा और अगर आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे स्फीयर की तो कितना आएगा वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हम जो पुट करेंगे तो टू बाई फाइव आएगा फाइव ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ आ जाएगा रूट टेन बाई सेवन कितना आएगा टेन बाई सेवन जी एच कितना आएगा टेन बाई सेवन क्योंकि डिनोमीटर में यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ हम अगर लिखेंगे टू बाई फाइव एम तो यहाँ सेवन हो जाएगा और फाइव ऊपर मल्टीप्लाई टेन हो जाएगा जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिंग डिवाइडेड बाई स्फेयर तो वो हो जाएगा रिंग का वेलोसिटी जी एच और इसका वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास टेन बाई सेवन जी एच है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और सेवन बाई टेन आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ही नहीं था तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि अगर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कैसे फाइंड करें